अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तोड़ा ब्रा मियां मोहम्मद अफजल बट्टू, तो तुम देखते पे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। तो मेरे किसान वीर भराओ, जिस तरीके तुहानू वीर भराओ ने पता भी पिछली वीडियो में 1692 की कटाई हुई सी, तो हो गई सी जमीन खाली। तो मेरे नाल है मोहम्मद आजम भाई, तो इन्हों का रूसी ट्रैक्टर ते पिछे लेजर। तो किसान वीर भराओ, अगली फसल लगावन वास्ते जमीन नू तैयार करना हुंदा है, दो हलां दो बल्कि डिस्कां लगाई गई ने, तो चूंडा बन्ने लैके तो हुण करते पे ने लेजर। तो आजम भाई नाल तू पुछने हैं भी, आजम भाई अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने? तबीयत ठीक है? तो थोड़ा सीजन शुरू हो गया है, तो मैंने ये दसो भी तेल बढ़ गया 272 रुपये मेरा ख्याल हो गया है, तो थोड़ा रेट की चलता पे, वधे जे कि घटे जे? 3000 रुपया एक घंटे का। तो अगे तुम ठेका ठुका कर लेंगे, हूँ खत्म कर दिता कि वह भी चलता पे? अच्छा, 1300 रुपये अगर कोई देवे तो तेल अपना पावे तो आप उन्होंने खिदमत करा, जिन्हें मर्जी घंटे लगवाई रखे किले च। तो वैसे तुम दो जो रंबड़ है अपनी रूटीन के मुताबिक किन्ने टाइम फेर जाते हो? 50-55 मिनटा के मोहम्मद आजम भाई दोहरा रंबड़ दोहरा कंप्यूटर एक किला कर लेंदा जे। बस दोस्त जड़े ने कोई कोई तो एक रंबड़ दी 35-40 मिनट लगा देंगे ने, ते एक किले दे ओ एक घंटे नू भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ये मैंने दसो रूसी ट्रैक्टर अपने माशाला ये कौन मॉडल है? 5 मॉडल दोस्तों ट्रैक्टर है जे, ये तुम हूँ खरीदया या पहले का है? 2013 में उन्हें खरीदया, किन्ने का खरीदया है? 10 लाख का खरीदया। आजम भाई मैंने दसो भी ये ट्रैक्टर आम ट्रैक्टर जेडे मैसी मूसी फिरते है ने, उन्होंने तो यह डीजल का कोई खर्चे का है फर्क? फर्क मुड़ो स्लिप मारी जाते पूरा करते नहीं, मुड़े ना वही गड्डी नहीं आ रही, चोरे लगी आते मतलब एदा डीजल का फर्क है। अगर वो 4 लीटर पींदा है तो 3.5 पीवेगा, अद्धा कोई लीटर का तो फर्क है ना? पाँदा है। तो यदि टुट बाई के बारे भी दसो, क्योंकि काफ़ी दोस्त जोड़े ने ना वो दूसरे ट्रैक्टर छड़ गए, कहें अं हम रूसी ही लैना है, हालांकि वो कहें सूँ चलावना औखा लगता है। तो तुम दसो भी इनका वल सीखना सौखा है या औखा है? सौखा भी है तो औखा भी है, वो तो फिर सारे ट्रैक्टर का ही औखा सौखा है। ये सौखा भी है, बस आज दिल तो आ जाए सौखा ही है। सौखा मुतमिन हो जाए, मुतमिन हो जाए सौखा ही है। दूसरा ट्रैक्टर का महंगा है, ट्रैक्टर महंगा है, ये 55 लाख का हो गया नवा ट्रैक्टर, लेकिन दूजे भी सस्ते को 32-33 लाख हो गया। ਅਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਟੁੱਟ ਬਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? 14 ਲੀਟਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੀਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਕਦੀ ਗਰਮ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੇਰਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਹਲ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਡਿਸਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करना, जिन्हों को जेब चुकी इजाजत देती है वो नवे ट्रैक्टर रूसी का ही इंतखाब करन, तो जोड़े है भरा मेरे रंगे वो फिर 75 भी ले सकते हैं, 260 भी ले सकते हैं। तो हूँ आजम भाई सानू तुम कोई दो फेरे लिया के विखाओ ट्रैक्टर, तो यह मैंने दसो ना तुम कि गेयर इन रंबड़ शंबड़ मार दे जी? 6वें गेयर है, 6वें हाई है। तो दोस्तों बस दोस्त जोड़े ने 5वां गेयर लाते हैं लो रूसी का, जिन्ह ने मतलब जो टाइम लगावना हुंदा है, तो इनका मुड़ है ठेका, इन्हें 1200-1300 लेना है किले का। तो दोस्तों चेक करो लेजर, तो कला कला ही रंबड़ मेरा ख्याल मारता फिरता जी, तो ये नाल जमीन हो जाए लेवल, फिर उत्तों लगाई असी दो रलां दी ते रूटर फेरिया जी, तो फिर एक दो सियाँ हल्लां दियाँ ते रूटर, उहदे नाल जमीन बिल्कुल हो जाएगी बरीक, ते जदों बरीक होवेगी ते खेलियां निकलन चंगियां मकई दियाँ। आज भाई उधर जाना या इहनूं ठीक करना है? उधर चलो फिर, चलो तो किसान भीर भराओ आ सिंगल फिर गया है, तो हूँ उस साइड तो यार कहता भी एक दो फिरे मेरे रेंदे ने, इन्हों फिर कढ़ के
बल्कि उस मशीन के कोल चलता पिया है या उस जिस जगह से इसने मशीन फिट किया है उत्ते ही अपना काम जोड़ा है वो मशीन करती रहेगी। तो अगर तुसी कोई भी फसल लाते हो उसदे विच लेज़र दा करना बहुत वधिया है ते जरूरी है। अगर जमीन लेज़र ना होवे ते फिर मसला आ जाता है, किसी जगह ते पानी चढ़ता है ते किसी जगह ते पानी नहीं चढ़ता। ते बेहतर है भी तुसी लेज़र दा इस्तेमाल करो ताकि पानी बराबर चढ़े। ते जिस तरीके तुहानू पता अगर कोई किसी ने मोटर लगाई हुई तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर लेज़र करेगा तो थोड़े यूनिट सड़नगे तो थोड़ा बिल आएगा। तो नाल नाल फसल जी वो चंगी होगी। तो यह हम मशीन जी है इतों मेरे ख्याल पटता पिया, यह भी एक मकसद होना है क्योंकि रस्ते च है दरख्त। जिहड़ा मेरा जाती तजुर्बा या मेरी समझ है वही है। बाकी आजम भाई तो पूछने हैं भी ये मशीन पटदा क्यों पिया है, तो ये अगले किले बिच इन्हें ले जानी है। आजम भाई इतों खलो के अगला किला नहीं कवर कर सकता दरख्तों की वजह से जी। ठीक हो गया किसान वीर ब्रो, जो मेरा अंदाजा है सी भी मामला सिर्फ दरख्तों का है, तो दरख्तों की वजह तो इस मशीन को पट के अगले किले च ले जा के लावेगा तो फिर उसकी सैटिंग करेगा। तो आओ चलने हैं, मशीन किस तरीके लगा है आजम भाई वो भी तुम विखाने हैं। ये रूसी ट्रैक्टर 1994-95 के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किसानों दिते सन 1.5 लाख रुपये का ट्रैक्टर बैंक से, वो भी किस्तों के नाल 1,50,000 का जो मिलिया ट्रैक्टर। तो साढ़े किसान वीर भी माशाला चंगा नॉलेज रखते हैं, उन्हें आख्या भी ये टींड है ये बेकार है यदा कोई फायदा नहीं। लेकिन ज्यों ज्यों ये चलिया 6 महीने साल के बच्चे रूसी ट्रैक्टर ने अपनी ताक बिठा दी। तो जो ये कारकर्दगी किसानों ने वेखी ट्रालिया वेखी हलों से डिस्कों से, तो हर बंदे की ख्वाहिश हैगी भी हुण मकामी ट्रैक्टर नहीं लैना है रूसी ही लैना है। हालांकि 75-85 का जो रेट है वो रूसी नाल ज़्यादा है सी, उन्हों वड्डी गड्डी कहिंदे सन बैंक वाले। अगर कोई किसान बैंक तो लैंदा सी ते इहनू कहिंदे सन छोटी गड्डी, लेकिन हुण ये हो गई वड्डी गड्डी तो हो गई छोटी गड्डी। क्योंकि इहदा जिहड़ा रेट है 55 लाख है तो वह तकरीबन अगे 32 लाख तो 13,000 चलता पिया सी, तो हुण शार्ट हो गया जनाब या मार्केट च कोई वाधा घाटा किया गया। क्योंकि हुण कहिंदे पए ने तकरीबन 32.5 तो लैके तो 33 लाख तक ट्रैक्टर नवा लभदा भी है। तो हुण वेख सकते हो भी तुरपाई सैट कर दी आजम भाई ने, तो हुण उत्ते मशीन लगाते पए ने, तो फिर इसकी करेंगे सैटिंग मैटिंग अगे सैटिंग कर लवेंगे। वेख सकते हो जो इशारे सिग्नल मिल गए तो कम हो जाए ओके। तो आए उन्हें मोटरसाइकिल की बैटरी रखी हुई जी है पहले, हालांकि ये सिल सुल पेंदे ने तो सिलों का जो काम है ना वो बड़ा औखा आए रोज़ सिल जड़े ना खराब करते हैं, चार्जिंग मुक जाती है। स्कूटर की जी बैटरी है यह कोई दिहाड़ी दो दिहाड़ी कटती है, तो इन्हें भी कोई एक की बजाय दो बैटरियां रखी हुई ने। तो किसान भीरो 57 हॉर्स पावर बिलारस तो मारदा जनाब खले मकामी ट्रैक्टर जोड़े साढ़े इतने मुल्की ट्रैक्टर बने हुए हैं उन्होंने मारदा खले, तो रूसी है रूसी। तो इनू कहते सन जंगल का बादशाह। तो एक वेला वो सी जो 1980-81-82 मॉडल है सन 85-86 उस वेले इन्हों का जोड़ा हैड है सी वो मोटा सी, तो डीजल जोड़ा है वो चोखा पीता सी। तो सुबह जो सर्दी होंगी सी फिर धक्कों तो बगैर स्टार्ट नहीं जी होंगे सन,
तो उस वेले एक कहावत मशहूर थी भी जिदे घर ये जंगल का बादशाह है ना वो घर चोर नहीं लुकते क्योंकि यदा खर्चा ही इन्ना है सी भी कोई कोई किसान रूसी नू गल पाता सी लेकिन जदों का मॉडल आए ने बेनजीर स्कीम वाले 94-95 उस तो बाद तो कहते हैं जिदे घर रूसी है वो ज़्यादा समझदार बंदा है तो करी कोई इन्हें कोई चारा ने लभ भी पैसे दे ते गल बिल्कुल जी उन्हां दी है सच्ची। आ टोरा चेक करो जी बहुत वधिया टोरा छेवां गेर ठेका मुक्या वै 1300 रुपया किले दा इन्हें लैना है एक किले दे विच 1300 रुपया जेब च पावना है ते 40-45-50 मिंटां दे विच किले दे विच दोहरा रंबड़ मार के उसने अल्लाह हाफिज़ आख देना है तो डीजल पावना है मालकां ने खा 4 रंबड़ मंगवावन खा 2 मंगवावन लेकिन 1300 दे विच उन्हूं घाटा को नहीं ना ट्रैक्टर मालक नूं ते ना ही जमीन दा मालक नूं। माजर दोस्तों गला खराब है इस वास्ते विच की कहिंदे ने व्याह च बीज दा रौला पै जांदा है खांसी आ गई हल्की जी तो वादा घाटा हो गया गल करदे होया तो इस वास्ते माजरत। तो दोस्तों बाकी जिन्हें भी टाइम तो इस चला बई असी एक किले का घंटा लावना 2 लावना है उन्हें 5वां गेयर लावना है स्लो रेस देनी है इन्हें मठा मठा हा 72 है 85 है या रूसी है मतलब एक किले के उन्हें एक घंटे की बजाय 1.5 घंटा लगाना है। तो इन्हें चाइना मॉडल अपनाया हुआ है मतलब ये अगर दिन दे 15 किले फेर जाता है 50 मिनट के हिसाब न रुपया शाम को जनाब 14-15 हज़ार 16-17 हज़ार बचत बचत जेब पा सकता है। तो अगर 24 घंटे ट्रैक्टर चले तो 25-30 हज़ार रुपया जेब बच्चे। तो अगर ये भी उन्हें तरह करे भी ज़्यादा टाइम लगावे तो फिर जिस बंदे ने दोहरा रंबड़ मरवावना वो सिंगल तो कम चलावेगा तो उन्होंने लोगों को फिर 25 हज़ार या 30 हज़ार नहीं बचना उन्होंने 15-20 बचेगा क्योंकि उन्हें उस हिसाब ना फेरना भी असी टाइम बनावना है तो पैसे बनावने ने तो जमींदार ने अपनी जेब के हिसाब नाल कम करवावना है। तो यही सूरत हाल है कोशिश करो भी जिन्हें भी ड्राइवर भरा है ईमानदारी ना कम कर चाइना मॉडल अपनावन तो चाइना मॉडल के नाल उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने भी फायदा होगा तो किसानों भी फायदा होगा। तो हुण मैं अपने वीर भरावों तो लैना इजाजत तुहाडा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।